चलिए हम कुंदन से बात करते हैं भाई। ये कुंदन आ गया हमारा। हाँ कुंदन भैया, क्या हाल चाल है जी नमस्कार। जी? नमस्कार, बताइए कुंदन, आज किस चीज पे बात करोगे? इस बात इस पे करना है कि आप लोग हमेशा दलित को हिंदू से क्यों जोड़ते हैं। तो किस किससे जोड़े? नहीं, बौद्ध धर्म से नहीं जोड़िए। है, हिंदू नहीं है वो, जी नहीं नहीं है। फिर आप क्यों जी, वोट मांगने जाते हैं? आपके जो नेता तब तो बोलते हैं वो यार हिंदू। क्यों, अब उसकी बात तो अलग है। किसकी बात अलग है? राजनीति की बातें अलग है। अच्छा, वो हिंदू नहीं है तो तुम्हारे धर्म ने उनको शूद्र क्यों बना रखा, अछूत क्यों बना रखा? हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अरे वो छोड़ो, आपके धर्म ने फिर उन्हें अछूत और शूद्र कैसे बनाया जब वो तुम्हारे धर्म के नहीं है? तो वो हमने नहीं बनाया। किसने बनाया? अच्छा, किसने बनाया? वो जब संविधान नहीं था उससे पहले था ये। अच्छा, क्यों था पहले? अब पहले हम ये सब वैसे किए ही यार नहीं तो कुंदन हमको जी, क्या वैसे पता। कुंदन जी, पता यार आपका भी मैं क्या ही दोष दूं आपको। आप तो बेचारे खुद भी यार उसी ब्राह्मण धर्मी व्यवस्था के यार मारे हुए इंसान हो। आपके लिए मनुस्मृति में कहा गया है कि 10 साल का ब्राह्मण का बच्चा भी 100 साल की क्षत्रिय का बाप है। और वो क्यों कहा गया है? क्योंकि हम पढ़ते हैं कि परशुराम ने क्षत्रिय विहीन कर दी 21 बार धरती, और फिर जो क्षत्रिय अब जितने भी हैं वो सारे नियोग की संतान है। तो अब यार आपको थोड़ा बहुत तो बजाना पड़ेगा ना उनका, उनकी थोड़ी दाढ़ी तरफदारी तो लेनी पड़ेगी यार अपने नियोगी बापू जी की, है ना? नहीं तो वो हमारा मैटर है ना, हाँ, तो ये तभी तो हमारा ना। सुवर्ण समाज का मैटर है। हाँ, वही तो ना। तो आप मानते हो कि ये नियोग से पैदा हुए हैं सारे क्षत्रिय? क्योंकि नहीं, परशुराम ने तो क्षत्रिय भीन दलित कर का दी मैटर थी। जो है वो अलग है और हमारे स्वर्ण समाज का अलग है। अगर हाँ, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ मेरे भैया, कि हम जो क्षत्रिय, अपने में लड़ाई भी करते हैं तो अपना कास्ट तो अपना ही होता है। हाँ, वही तो कह रहा है। आप वैसे भी दलित को कब मानते हो हिंदू? आप तो अपना अलग ही मानते हो, उनका शोषण करे हो। लेकिन हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो उसमें लिखा है कि क्षत्रिय भी नियोग की औलाद है ब्राह्मणों की, तो आप मानते हो ना कि आप नियोग की औलाद हो? जो लिख कर गया वो तो जिंदा नहीं है। अरे तो आप वही धर्म ग्रंथ मानते हो यार, क्यों? नहीं तो जो लिख कर चला गया वो शायद लड़ाई करवाना चाहता था। हाँ, तो आप मानते हो ना अच्छा यार, बोल दो ना। ठीक है, वो हमारा मैटर है। नहीं, मैटर नहीं, बोल दो ना कि जो लिखा है नियोग की औलाद है क्षत्रिय वो सही है, बोल दो ना आप। सुनिए, नहीं, बोल वो दीजिए ना हमारा यार। स्वर्ण स्वर्ण हाँ तो समाज का मैटर यार, है, ये हम खुद में समझेंगे, वो आपका उसमें ही, मैं दूसरा कोई और नहीं बोल आप सकता है। यार भाई, वो आपका मैटर है मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये बोल दो ना कि हाँ वो सही लिखा है। आप इसको सही को सही बोलने में लिखा है तो बोलने में क्या दिक्कत है आपको, ये बताओ। नहीं, आपको क्या दिक्कत है उसमें लिखा है तो, ये तो जब हमको नहीं, मेरे को दिक्कत ही नहीं हो दिक्कत रहा नहीं। है। नहीं, हम तो ये पूछ रहे हैं भाई कि आप मानते हो कि आप नियोग की औलाद हो ब्राह्मणों की? ब्राह्मण भी हमारे भाई बहन है, उसको हम बदनाम नहीं अरे करना चाहते। अरे बदनाम नहीं यार, मतलब जो लिखा है परशुराम ने क्षत्रिय विहीन कर दी थी 21 बार धरती, और फिर जितने भी क्षत्रिय पैदा हुए हैं वो ब्राह्मणों के नियोग से हुए हैं, तो आप इस बात को सच मानते हैं? हर लिखा हुआ सच नहीं होता है, वो हमको भी पता है। अरे तो ये पूछ रहा हूं मैं भाई, ये लिखा है ये मानते हो कि नहीं मानते हो, मतलब नियोग से पैदा हुए हो कि नहीं नहीं हुए मानते हो? हैं, नहीं नियोग से मानते पैदा हैं। नहीं हुए? नहीं हुए? पक्का? नहीं, पक्का? अच्छा, पहले सुनिए, जो लिखा हुआ वो सच नहीं होता है। ये तो बताओ ना, पक्का ना? पक्का नहीं मानते आप नियोग की औलाद को? नहीं, तो आपको फिर भी यार बोलेंगे काहे तो आप मान ब्राह्मण लेंगे। धर्म? नहीं यार, हमारे बारे में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है ना, नियोग तो आपसे हुआ ना, आपके
क्षत्रियों को नियोग से पैदा आप किया है। क्यों सुनिए, आप स्वर्ण समाज को, जो हमारे स्वर्ण समाज है उसको लड़वाना क्यों चाहते हैं? अरे हम किसी को नहीं लड़वाना चाहते भैया, हम जो सच है वो सच बोलना चाहते हैं, बस सच दिखा रहे हैं आपको। मतलब हम मतलब स्वर्ण समाज में जातिवाद चाहते हैं आप लोग? कहाँ पहुंच रहे हो भाई, कहाँ पहुंच रहे हो? ये देखो मैं दिखाता नहीं हूँ आपको। बोलिए। अरे सुनो ना भैया सुनो, मैं आपको ये दिखाता हूँ, चलो आपकी उत्पत्ति दिखाता हूँ क्षत्रियों की, है ना। ये देखो मैं बाबा साहब का संपूर्ण वाङ्मय खंड 6 लिया हूँ, वॉल्यूम 6। अब ये यहाँ से दिखाते हैं ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच वर्ण संघर्ष की दूसरी घटना, क्षत्रियों द्वारा ब्राह्मणों की हत्या से संबंधित है। यह कहानी महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है इस तरह से। अब ये जो क्षत्रिय और ब्राह्मण संघर्ष की कहानी है वो महाभारत के आदि पर्व में आती है, ठीक है। अब ये जो कृतवीर नाम का एक राजा था जिसकी दानशील के कारण वेदों के ज्ञाता राजा के राजा पुरोहित भी थे और उसी कारण वे अपनी जीविका उपार्जन करते थे। अच्छा अब ये इसमें यहाँ पर दिखाते हैं, हाँ इसे दिखाते हैं, एक मिनट कहाँ से, हाँ ये देखो। तीसरी घटना ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों के नरसंहार से संबंधित है। महाभारत के अनेक स्थानों पर इस कथा को दोहराया गया है। सहस्त्रबाहु महाप्रताप एवं शक्तिमान कार्तवीर ने अर्जुन इसे संपूर्ण संसार का सम्राट था, वह महिष्मति का निवासी था, अपार शक्ति का यह है राजा, महासागरों महाद्वीपों को संपूर्ण विश्व पर राज्य करता था। यह युद्ध भूमि पर लड़ने और संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने 1000 हाथों से लड़ने का वरदान दत्तात्रेय मुनि से प्राप्त किया था, तथा पथ भ्रष्ट होने की संभावना से सदाचारी लोगों के उपदेश वचनों से आती आशीर्वादों से प्राप्त था। अब यहाँ पर कहाँ है, मैं उस वहीं पर ले चलता हूँ। एक मिनट, जहां पर वो मार देता है। एक मिनट, यहाँ पर, सुनिए, हाँ ये सब ये घर देखिए, का मतलब ये देखो, घर तक ये रहना देखो चाहिए। वापस। अरे सुनो सुनो भाई, वापस लौटने पर पिता अंतिम संस्कार करने के लिए परशुराम ने संपूर्ण क्षत्रिय वंश को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की और सबसे पहले अर्जुन के, ये पूरी कहानी थोड़ी लंबी है तो मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, तो अर्जुन के पुत्र और उनके साथियों की हत्या करके प्रतिज्ञा का पालन किया। उसने 21 बार समस्त क्षत्रियों को पृथ्वी से समूल नष्ट कर दिया, यानी पूर्णतः नष्ट कर दिया, और उस और उनके खून से सामंत पंचक में 5 सरोवर बनवाए, जिसमें उसने भृगुओं के पितरों की आत्माओं को संतुष्ट किया और अपने नाना ऋचिका के समक्ष जाकर खड़ा हो गया। तब ऋचिका ने उसे उपदेश दिया। परशुराम ने एक विशाल यज्ञ करके इंद्र को प्रसन्न किया और यज्ञ करने वाले पुरोहितों को पृथ्वी दान दी। उसके महाबली इस सिंहासन को ब्राह्मणों ने आपस में बांट लिया, जिसे उसका खंडो नाम पड़ गया। इस प्रकार कश्यप ने पृथ्वी दान करने पर परशुराम स्वयं महेंद्र पर्वत पर रहने के लिए चले गए। इस तरह उसमें क्षत्रियों बीच में शत्रुता उत्पन्न हुई और परशुराम ने अपनी असीम शक्ति से पृथ्वी जीत ली। जिन क्षत्रियों की परशुराम द्वारा हत्या की गई उनका वर्णन महाभारत के द्रोण पर्व में है। वे काश्मीर, दार्द, कुंती, शूद्रक, मालव, अंग भंग, कलिंग, विदेह, ताम्रपत्क, मातृकावत, सीवी आदि जघन्य थे। अब देखिए क्षत्रिय वंश का पुनर्निर्माण किस प्रकार किया गया, यह बात भी ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों के नरसंहार की कहानी में बताई गई है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी क्षत्रियों को 21 बार नष्ट करने के बाद जमदग्नि का यह पुत्र परशुराम सभी पर्वतों में सर्वोत्तम महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने में व्यस्त हो गया। क्षत्रियों की विधवाएं संतति की से ब्राह्मणों के पास गईं। तब ब्राह्मणों ने काम वासना की किसी भी लालसा से मुक्त होकर उचित ऋतु में इन स्त्रियों के साथ संभोग किया। बाद में वे गर्भवती हो गई, उनसे वंश चलने के लिए सूर्यवान क्षत्रिय लड़के लड़कियां उत्पन्न हुई। तो देखो भाई आप ऐसे पैदा हुए हो, क्षत्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई अब आपको पता चल गया होगा, ठीक है। ये सब घर का मैटर है, मेरा अपने कास्ट का है, अरे नहीं, स्वर्ण तो समाज का है, आप अपनी इसमें कास्ट दूसरा कोई नहीं अपनी बोल सकता कास्ट है। का है नहीं नहीं भाई, मैं अपनी नहीं कास्ट का है, नहीं मैं वो दिक्कत नहीं है। सुन तो ले ये कुंदन हमारे घर भैया, का प्यारे मैटर, भैया ये कुंदन, दूसरा कैसे बोल अरे सकता है? कुंदन भैया, कुंदन भैया प्लीज सुन लो यार, आपके घर जी का बोलिए। मैटर है या बाहर का मैटर है, हमें उससे दिक्कत नहीं। हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि इसमें जो वर्णित चीजें हैं कि क्षत्रिय ब्राह्मणों की नियोग औलादे हैं, नियोग संतान हो, तो ये आप इस चीज को जो महाभारत में आया है उसको सच मानते हो कि नहीं मानते हो? मतलब उस पर एग्री तो कर रहे सच हो ना कि सच हाँ तो है ही नियोग नहीं, औलाद हो?
नहीं है तो अच्छा ये तो परशुराम ने जब 21 बार क्षत्रिय मार डाले थे सारे, क्षत्रिय विहीन कर दिए थे, फिर क्षत्रिय आप कैसे पैदा हुई है बताओ, कहाँ से आए तुम? ये आपको अच्छा बताने का आजाद जरूरत क्यों? नहीं है, अरे बताओ ना नहीं भाई, देखो आपको सिर्फ बताने तुम्हारी का औरतें जरूरत बची थी, नहीं सुनो तो कुंदर भाई, क्षत्रियों की सिर्फ औरतें बची थी, जो मर्द थे, जो इंसान आदमी थे ना, वो सारे मार दिए थे। तो अब ये बताओ फिर कैसे पैदा हुई तो आपको क्षत्रिय, ये क्या बताओ। दिक्कत हो रही है, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है। हमें दिक्कत नहीं हो रही, हम पूछ रहे हैं, हमारे मन में ना सवाल पुदक रहे हैं भाई, इसलिए जवाब दे दो प्यारे भैया, जवाब दे दो थोड़ा, सुनिए, आप कैसे हमारे पैदा समाज हुआ? में जातिवाद मत करिए। चलो अच्छा सबसे पहले हम जो है स्वर्ण बताओ। समाज में, बाद कौन में सा समाज? पूछेंगे। अच्छा स्वर्ण समाज, तो ये यार इसमें स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि तुम नियोग ये चले गए हैं? अच्छा ये आ गए कुंदन भाई, हाँ बोलिए। तुम यार बहुत ज्यादा ना समझ बन रहे हो यार, कम से कम यार थोड़ा बहुत तो शर्म करो यार, कुछ जवाब ही नहीं देते हो यार। इसको जवाब क्या था, जवाब तो दे ही रहे हैं। अच्छा कुंदन जी, जवाब दे रहे आप हो? क्षत्रिय हैं सर? हाँ नहीं, जी क्षत्रिय हैं, बोलिए। हाँ कुंदन जी आप क्षत्रिय हैं, पर एक समय ऐसा था कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने क्षत्रियों का वर्चस्व मानने से इनकार कर दिया था, यानी क्षत्रिय एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि ब्राह्मणों के अनुसार क्षत्रियों का जो है खात्मा हो चुका है परशुराम के द्वारा, और उन्होंने क्षत्रियों को शूद्र घोषित कर दिया था। आपको ये बात पता है? सुनिए, पहले लड़ाई हर कास्ट में होता है, बाबा इसका तो मतलब क्या वो है, कोर्ट में गए थे ना, इसका मतलब फिर क्या आप है, समझे अपना ना? समाज हम छोड़ दें। नहीं मेरे भाई, तो आपको जो ब्राह्मण समाज हो तो शूद्र मानता है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी ये देखें, देखिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़े, ठीक है? ये देखें, ये देखें, मोर ओवर दे असर्टेड दैट नॉट अ सिंगल क्षत्रिय एग्जिस्टेड इन कलयुग द करेंट हिंदू एपोक। द बेसिस ऑफ देयर असर्शन वॉज द पुरानिक लेजेंड ऑफ परशुराम एन अवतार ऑफ द मेन हिंदू गॉड विष्णु इन द एओन्स प्रिसीडिंग कलयुग। परशुराम वॉज बिलीव टू हैव एनाहिलेटेड ऑल क्षत्रियाज फॉर द अब्यूज ऑफ देयर कास्ट प्रिविलेजेस। देयरफॉर द ब्राह्मण्स आर्ग्यूड द किंग्स इन कलयुग वेयर ऑल ऑफ द शूद्र स्टॉक। यानी ब्राह्मणों ने कहा कि भाई जितने जो क्षत्रिय थे वो तो हमारे जो क्या परशुराम हुआ थे। कुंदन भाई? आप हेलो, लोग तो के कहाँ से खोज के लाते हैं, हम लोग को तो मिलता भी नहीं है सब। एक किताब देख लेना, कास्ट प्राइड किताब का नाम है, पेज नंबर 84 है। मतलब आपने हम लोग में भी जातिवाद कर दी है। नहीं तो ये तो कह रहे हैं ना, ब्राह्मिस कह रहे हैं, ब्राह्मण्स ने आर्ग्यू दिया कि जितने भी राजा जो कलयुग क्या में आप है वो सब लोग शूद्र है। दे कुड ओनली बी रूलर्स इन फैक्ट नॉट बाय राइट, एंड सो द क्वेश्चन ऑफ शूद्रास बीइंग फॉर्मली ऑनर्ड विथ एन अभिषेक डिड नॉट अराइज। ठीक है, अब हम अगले पेज पे चलते हैं, क्या होता है देखिए, पेज नंबर 86 है। ये देखिए, द परशुराम लेजेंड हैज बीन इन्वोक्ड बिफोर द प्रिवी काउंसिल इन 1857 टू डिटरमाइन वेदर राजपूत्स वेर क्षत्रियज एंड और शूद्रास। तो ये कोर्ट में लड़ने गए थे कि जो राजपूत जो है वो क्षत्रिय है या शूद्र है 1857 में। ठीक है, देयर वर्णा शूद्र शब्द स्टेटस आप इन नाम टर्न। क्यों ले रहे हैं, हाँ शूद्र शब्द हमको अच्छा नहीं लगता है। नहीं तो ये तो लिखा हुआ है ना, ये ब्राह्मण आपको शूद्र कह रहे हैं, उनका कहने कहना है से कि क्या शूद्र होगा, कि क्षत्रिय जो है वो तो मर चुके हैं ना, वो तो कलयुग में कोई भी क्षत्रिय नहीं है, सब शूद्र हैं। इस शूद्र से हमको कोई मतलब नहीं है, तुम उसका नाम क्यों ले रहे हो। अरे तो क्षत्रिय तो जिंदा ही नहीं है ना, कलयुग में कोई क्षत्रिय ही नहीं है, सब तो मर चुके हैं, सब आपके कहने से होगा। लिखा हुआ है भैया, ब्राह्मण कह रहे हैं, ब्राह्मण देवता कह रहे हैं। अगर लिखा हुआ सच होता तो फिर दुनिया ही पलट जाती। अच्छा तो फिर आपके हिसाब से फिर सच क्या है? नहीं, हम कह रहे हैं लिखा हुआ है, फिर भी इससे क्या होगा। अरे बाबा, पर एक समय ऐसा था जिसमें आपको ब्राह्मणों ने शूद्र बता दिया था,
तो आप कोर्ट में केस लड़ने गए थे कि हम शूद्र नहीं है भैया, हम क्षत्रिय हैं, पर कोर्ट की प्रिसीडिंग है इस किताब में। ब्राह्मण ने हमें जो भी कहा वो हमारा मैटर है, घर का मैटर है। क्या बात इसमें कर रहा दूसरा है, तो क्या सही बोल बात है। सकता। चलो अमित सर से बात करवाते हैं। अमित भैया आप ही जय बात भीम करो अमित यार, सर। आप अपना हाँ भाई, नेगलेक्ट जय भीम, आप करो जितने यार, आप पैनल पे बैठे जय हैं सभी को नमस्कार। जय भीम, जितने देख रहे हैं सभी को नमस्कार। जय भीम। अच्छा कुंदन भाई, आपने एक ये बात तिवारी नहीं कोई बहुत दलित सही है। कही यार, प्लीज मेरी बात तो पूरी होने दो। आपने ये बात एकदम सही कही और मैं आपसे पहली बार बहुत बड़ा आश्चर्य रही कि मैं आपसे एग्री कर गया उस बात पे। आपने कहा कि एससी एसटी ओबीसी हिंदू नहीं है, ये आपने कहा ना? ओबीसी का तो मैंने नाम ही नहीं लिया। एससी एसटी हिंदू नहीं है आपने कहा ना, दलित हिंदू नहीं है आपने कहा ना, दलित जी आदिवासी जो है हिंदू नहीं है, ये जी कहा ना आपने? ये तो मैं आपकी जी बात से पूरी तरह से सहमत हो गया, ये तो एकदम सही बात है। अच्छा ये बताइए, हाँ आप बोलिए। कह रहे हैं कि जो दलित है वो हिंदू नहीं है, हाँ और बोलिए। जो कोई ये बात को कहता है वो आदमी सच बोल रहा है ना? जी सच बोलने वाला आदमी अच्छा होता है ना? जी बिल्कुल जो हमेशा सच बोलता है वो अच्छा आदमी होता है ना? और ये एक सत्य है, ये सच है कि दलित आदिवासी इस देश के हिंदू नहीं है, ये है ना सच? आपको कहना क्या है वो बोलिए। ये सच है ना, यही तो पूछ रहा हूं। देखिए मैं तीन बार आपसे कंफर्म करवा रहा हूं, तीसरा है, ये सच है ना, एससी एसटी हिंदू नहीं है? तो आप क्या बताएं आपको। नहीं है ना? और जो ये बात को कहता है वो आदमी सच्चा है, आपने ये भी कहा, आपने ये भी कहा कि जो इस बात को कहता है वो आदमी अच्छा है, सच्चा आदमी तो अच्छा ही होता है। ये हमारे एक भाई हैं, मैं तो बहुत प्यार करता हूं और जितने देख रहे हैं सभी बड़ा प्यार करते हैं, और मुझे हमेशा से लगता था ये, अब ये आदमी सच बोलता है, और आज आपने आके इस बात को, सुनिए, इस ओबीसी बात की ओबीसी तस्दीक भी हिंदू कर है। दी मेरे सामने। एक मिनट रुकिए ना, मैं एससी एसटी की बात, अभी अभी एससी एसटी की बात करेंगे। तो ये मैं साईं एससीएसटी की जर्नी बात सर नहीं हैं, कर रहा हूँ, ओबीसी की एक बात कर रहा मिनट हूँ। एक मिनट कुंदन भाई, ये साईं जर्नी सर कहते हैं कि दलित आदिवासी देश का हिंदू है ही नहीं, तो ये भी तो सच ही बोल रहे हैं ना, और सच बोलने वाला आदमी तो बहुत अच्छा होता है। और जैसे मेरे ये दोनों भाई यहाँ पैनल पे बैठे, वैसे मेरे ये भी भाई है, और यहाँ मैं तो, हम सभी बड़ा प्यार करते हैं यार इनसे, और मुझे तो पहले ही लगता था ये आदमी सच बोलता है, आपने भी आज आके तस्दीक कर दिया इसका, सच बोलते हैं ना? आप लोग तो अरे वैसे कहाँ, कुछ भी अरे बोलना पड़ जुबान कहाँ चली गई भाई, अभी तो टैं टैं कर रहे थे। अरे भाई सच बोलते हैं ना साईं जर्नी सर, वो भी यही कहते हैं, जो आपने कहा वो भी यही बात को कहते हैं, एससी एसटी हिंदू है ही नहीं। नहीं, आप जो बोलेंगे वही सच होगा। अरे भाई साईं जर्नी सर कहते हैं एससी एसटी हिंदू नहीं है, आप भी कहते हैं, आपने अभी कहा एससी एसटी हिंदू नहीं है, आपने कहा मैं सच बोल रहा हूं, तो भाई साईं जर्नी सर भी तो सच बोल रहे हैं ना, और सच बोलने वाला आदमी अच्छा होता है। साइंस जर्नी की बात को हम नहीं मानते हैं। अरे मगर वो तो वही बात को कह रहे हैं जो आप कह रहे हो भाई, आप दोनों तो एक ही बात कह रहे हो, तो फिर कौन सी बात नहीं मानते? वो भी यही बात को कहते हैं, वो पूरा सार यही है बात का उनकी। आप एक ही बात को बार बार क्यों बोल रहे हैं। भाई मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि देखो, सांच को आंच नहीं, सच ज्यादा दिन तक छुपता नहीं है, ठीक है? वो साईं जर्नी सर यही बात को कह रहे हैं, उनका सार यही है कि भाई ये हिंदू नाम का तो धर्म है ही नहीं, और एससी एसटी जो है देश के वो हिंदू नहीं है, वो तो मूल निवासी है, उनका धर्म भारत का मूल धर्म है जिसको हम धम्म कहते हैं, आप भी यही बात अभी कहे हो कि वो तो हिंदू है ही नहीं एससी एसटी, तो नहीं, आप जो कहेंगे वही क्या होगा। जुबान कौवा ले गया क्या? क्या भाई, बोलो ना आगे, बोलना ये पड़ता सब है यहां अलग पे, मैटर है, ये ये अलग सब बहुत मैटर बड़ा नहीं है, मैटर है। आपने भी यही बात कही है,
मुझे आप लोग के वजह से करना पड़ता है। मतलब आप आप हम लोगों की वजह से एससी एसटी को अपने हिंदू धर्म से निकाल दिए, ऐसा बोल रहे हो? जी नहीं, ऐसा नहीं बोलना पड़ता है, ऐसा थोड़ी ना कि हम डायरेक्ट बोल दें कि अच्छा मगर वो हिंदू हैं। अच्छा वो हिंदू हैं मगर आपको बोलना पड़ता है, आप ऐसा कह रहे हो? जी आप लोग के बेस से बोलना पड़ता है। अच्छा इसका मतलब है आपको झूठ बोलना पड़ता है, आप ये कह रहे हो ना? जी मतलब जो जो झूठ बोलता है वो क्या होता है? नहीं आप लोग के बेस से बोलना जो पड़ता झूठ है। बोलता है वो, अरे हमारी वजह से आप झूठ बोलते हो, आप यही कहे ना, मान लिया। जो झूठ बोलते हो क्या होता है? अरे कौवा इनका जुबान दे दे यार, अरे बोलो ना कुंदन भाई, बोलना पड़ता है। तो वो आप बोलिए ना। जो झूठ बोलता है वो क्या होता है? मूर्ख होता है, यही ना? मूर्ख होता है। ये तो आप बोल दिए, मैं तो झूठा बोल रहा था। चलो आप एक कदम आगे निकल गए, आप तो मेरे दो सवाल आगे निकल गए भाई, तो इसका मतलब आप मूर्ख हो ना? आपके बस से कुछ भी बोलना पड़ सकता है। क्या आप मूर्ख हैं? मूर्ख आप होंगे। कौवा दे जुबान। हाँ नहीं मूर्ख आप होंगे ना। आपको मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ रहा है, आपने कहा जो झूठ बोलता है वो मूर्ख होता है, तो क्या आप मूर्ख हैं? नहीं मूर्ख कोई, ये कोई बात ही नहीं। अभी तो आपने कहा कि मैं आपकी वजह से झूठ बोलता हूं और जो झूठ बोलता है वो मूर्ख होता है, तो इसका मतलब आप मूर्ख हो गए ना? जी मूर्ख है, बोलिए। अच्छा आप मूर्ख हो, आप ये मान रहे हो? जी अच्छा अभी थोड़ी देर पहले आपको आपने ये कहना भी क्या माना है? कि मैं क्षत्रिय हूं, आपने जी बोला, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मैं क्षत्रिय हूं और अभी आपने कहा कि मैं मूर्ख हूं, आपने कहा कि मैं ए हूं, फिर आपने कहा कि मैं बी हूं, इसका मतलब है ए इज इक्वल टू बी, तो क्या क्षत्रिय मूर्ख होता है? आपके कहने से हो जाएगा। मैं अरे मैं आपकी ही बातों से आगे चलता जा रहा हूं, आपने कहा आप क्षत्रिय हो, आपने कहा आप मूर्ख हो, तो क्या क्षत्रिय मूर्ख होता है? नहीं मूर्ख आप हो सकते हैं। मूर्ख नहीं नहीं हो सकता है कि नहीं, वैसे बताओ ना, होता है कि नहीं? नहीं मूर्ख आप हो सकते हैं। आपने कहा कि आप मूर्ख हो और आपने कहा कि आप क्षत्रिय हो, तो इसका मतलब क्या मैं ये मान सकता हूं कि क्षत्रिय मूर्ख होता है? आपके मानने से सब नहीं होगा। मैं आप ही की बातों को मिला रहा हूं ना, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं? क्लास टेंथ या एट्थ नाइन्थ में तो पढ़े होगे ना ये मैथ्स का एलजेब्रा, ए इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू बी पढ़ते हैं ना हम ऐसा? यहाँ एलजेब्रा का क्लास नहीं चल रहा है यहाँ। अरे यहाँ हर चीज का क्लास चलता है। चलो ठीक है छोड़ा आपको, ये बताओ साइकिल में कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाएंगे? कहाँ जा रहे हो? सवाल पूछिए पूरा। जल्दी बताओ। सवाल पूछेगा तब तो बताएंगे। आप साइकिल में कहाँ जा रहे हो? साइकिल में कहीं नहीं जा रहे हैं। तो ये साइकिल किसकी है भाई वो जो आपके सेल्फी ले बगल रहे में थे। खड़ी है? सेल्फी ले रहे थे। अच्छा छतरी तो लड़ाई जी करता है ना, छतरी का धर्म लड़ाई करना है ना? वो आपके हिसाब से होगा। आपके हिसाब से क्या है छतरी का धर्म? अच्छा जैसे ये तो आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आपका वजन मेरे ख्याल से 35 से 40 किलो के बीच में, आपको फोटो देख के लग रहा है, तो आपको कहीं आपको बंदूक वजन पे आपसे क्या भारी ना करना हो है? जाए, कहीं बंदूक भारी ना हो जाए आपसे? नहीं तो आपको वजन का क्या करना है? मैं जानना चाहता हूँ ना भाई, हमारा वीर लड़ाका छत्री हिंदू जब लड़ने जाएगा तो उसका वजन कितना है? वजन कितना है आपका? लड़ाई वजन से नहीं दिमाग से होता है। दिमाग से कैसे गोली चलाओगे भाई? गोली चलाने के लिए तो शरीर चाहिए ना। वो आप लोग को समझ में नहीं आएगा छह क्योंकि आप गोली लोग पूरी जो है चला दोगे एक बार में?
भाई आप लोग दलित हैं, आपको समझ में आप नहीं आएगा। क्या आप 6 गोली एक बार में पूरी चला दोगे? 6 गोली एक बार में कहां से चलेगा, एक एक करके चला दोगे पूरी? बिल्कुल। तो आपके पास गोली नहीं रहेगी, बिना गोली रहोगे? अब कहां सवाल को कहां से कहां भटका दिए। मैं पूछ रहा हूं, अगर पूरी 6 की 6 गोली चला दिए तो बिना गोली रहोगे क्या? एक तो 2 गोली के बजाय 6 आ गई आपके पास, तो चलो फिर भी मान लिया यार, तो छत्री के पास हो सकता है 6 हो, हिंदू लड़ाका छत्री, और पूरी चला दोगे तो आपके पास कोई गोली नहीं बचेगी ना। या तो मर जाएंगे या मारेंगे, दोनों में सिर्फ अरे एक वो काम छोड़ो, सुनो मैथ्स का एक सिंपल सवाल, कुंदन ने, कुंदन के पास बंदूक है, कुंदन के पास 6 गोली है, कुंदन ने 6 गोली चलाई, कुंदन के पास कितनी गोली बची बताओ? 6 फिर कहां बची? फिर नहीं बची, गई पूरी गोली ना, 0 0 बची ना। अब मेरे को एक बात बताओ, बैल और सांड देखे हो कभी? हाँ बोलिए। सांड के पास कितनी गोली होती है? एक भी नहीं, 2 गोली होती है। चलो भाई जाने दो और इसको। बैल के पास कोई गोली नहीं होती, जाने दे जाने दो, ये तो सब लोग यही बोल रहे हैं कि ये बहुत रुक रुक के बोलता है, इसके पास दिमाग हाँ नहीं यार है। इसका इसका कौवा ले गया जुबान यार। आप लोग यार बहुत यार बहुत अच्छा सोच के बोलता है। अच्छा तुम्हारे साइकिल में हवा रहती कि बिना हवा के चलाते हो? देखिए कहां से कहां आ जाते हैं, पूछ रहा हूँ भाई, वीर लड़ाका छतरी की साइकिल है भाई, छोटी मोटी साइकिल थोड़ी ना। तो फिर बात कीजिए जहां करना है, आप कहां गधा से चला कहां आ लोगे? जाते हैं। गधा आप तो चलेगा कि नहीं है बताइए। अरे यार इसको कुछ नहीं पता भाई। चलो आगे चलते हैं। चलो यार भाई, कुंदन भाई आज का कोटा पूरा। चलो यार, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/therealistazad पर या YouTube पर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर मेंबर बनके, दोनों का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।